हेलो दोस्तों, मैं आपको भाई रजनीश। आज हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट का स्पीकर आया है, ब्लूटूथ स्पीकर। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका ब्रांड सिंपल का ये है, और ये लाइट वाला स्पीकर है दोस्तों। ठीक है, ऐसे हमारे पास दो स्पीकर हैं। इसमें जो है लाइट इसमें ओपन हो रहा है दोस्तों, मगर सब कुछ चल रहा है इसमें, सब कुछ वर्कएबल है। चार्ज पे लगा रहे तो चार्ज भी हो रहा है, मगर जो है इसमें समस्या यह है कि इसमें स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही है, कनेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो, मैं चार्ज पे लगा के दिखाता हूँ। तो चार्जिंग वाली एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रही है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे रेड कलर की एलईडी ग्लो हो रही है। ये मैंने निकाला, बंद हो गई। ठीक है, अभी फटाफट से खोलेंगे। यहाँ पे नीचे तीन पेच लगे हैं दोस्तों, इसे पहले खोल लेना है आपने। ठीक है, नीचे वाले पेच खोलने के बाद ही आपको ये स्पीकर ओपन होगा। ठीक है, अब ये देखिए आसानी से ये निकल गया। इसमें अंदर देखिए कुछ इस तरीके की प्लेट लगी है, और जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से लाइटें इसमें जलती हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे मल्टी कलर इसमें लाइटें कलर चेंज होती है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे इसके सारे फंक्शंस हैं, ये ऑक्स, ये जैक, यहाँ से चार्जिंग वाला, यहाँ से मेमोरी कार्ड, यूएसबी, और यहाँ पे बाकी सारे फंक्शन बटन के, यहाँ पे सब कुछ यहीं पे दे रखा है, सब कुछ ठीक है। बस अब हमें इसमें जो है स्पीकर का जो है, यहाँ पे स्पीकर की वायर, हम यहाँ पे दो वायर शोल्ड करेंगे, स्पीकर दो स्पीकर लगा के चेक करेंगे दूसरे। ठीक है, देखते हैं चलता है नहीं चलता, फिर उसके बाद हम इसे स्पीकर इसमें नया डाल देंगे फिर। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया दोस्तों। अब जो है हम इसी स्पीकर को यहीं पे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी पे लगा के मल्टीमीटर से। ठीक है, मल्टीमीटर से चेक करेंगे इस स्पीकर पे। स्पीकर की अगर रीडिंग नहीं आती दोस्तों, तो समझ लेंगे कि हाँ ये स्पीकर ही इसमें खराब है। ठीक है, कंटिन्यूटी पे पहले आपने लगाना है, यहाँ पे बजिंग मोड पे। यहाँ पे देखो आप, पहले मल्टीमीटर को आपने, इधर एसी वोल्ट होता है, इधर डीसी। ठीक है, और ये जो है मल्टीमीटर, इधर ओम्स होता है, और ये जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी होता है दोस्तों। अब इसे हम कंटिन्यूटी पे लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और इतनी आसान तरीके से मैं बताता हूँ आपको, इतना कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, लाइक और ठोक देना इसी बात पर। ये देखो कंटिन्यूटी पे आपने लगा लेना है। अब जो है हमने स्पीकर की आउटपुट पे लगा दिया। देखें यहाँ पे कुछ कुछ शो नहीं हो रहा दोस्तों स्पीकर की आउटपुट पे। ठीक है, कुछ भी नहीं है। कुछ एक भी रीडिंग नहीं आ रहा, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, तो हमने तो दोस्तों स्पीकर की वायर हमने यहाँ से शॉर्ट करके हटा ली। आप देखिए, अब हम इसको स्पीकर अब चेक करेंगे, स्पीकर चलता है नहीं चलता। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो है कोई कोई वो नहीं बता रहा, कोई ओम्स वगैरह नहीं बता रहा। बल्कि अगर आपको कोई स्पीकर अगर चेक करने जाते हो, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इसमें कैसे रीडिंग आनी चाहिए, ये देखिए, ये स्पीकर है। इस स्पीकर पे हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ देखिए रीडिंग आने लग गई। ठीक है, तो यानी कि इसका स्पीकर ख़राब है। अब देखो इसमें रीडिंग आ रही है, अब इसमें रीडिंग नहीं आ रही है इनकी वायर्स में। तो इसमें जो है स्पीकर लगाएंगे हम दूसरा, बाकी सब कुछ ठीक है इसमें। ठीक है, ये तो हमने इसका फॉल्ट पकड़ लिया। अब इसे
ऊपर से ओपन करके इसका स्पीकर निकालेंगे। तो यहाँ से बैटरी इसकी निकल जाएगी। तो इसकी जाली कुछ इस प्रकार से आपने साइड साइड पे लगा के जो साइड में कोना इस तरीके से खोल लेना, ठीक है। इसे खोलने के बाद जो है ये देखिए कुछ इस तरीके का स्पीकर आपको मिलेगा इसमें सामने की तरफ। तो ये स्पीकर हमें खोलना है और ये खोल के निकाल लेना है स्पीकर। तो दोस्तों स्पीकर हम खोल लेंगे। यहाँ पे इसके दो नट लगे हुए हैं, इसके दो नट को निकालना है। नहीं कुछ इस तरीके से आ गया बाहर अब, ठीक है। तो अब एक बार फिर से लगाइए कंटिन्यूटी पे। अब लगा के चेक करते हैं कहीं इसके अंदर से वायर तो नहीं टूट गई थी या कुछ ऐसी समस्या तो नहीं आ गई थी। अब देखो इस पर रेटिंग आनी चाहिए अगर ये ठीक हो तो। हाँ तो दोस्तों इस पर रीडिंग आ तो रही है लेकिन रीडिंग रीडिंग आ रही है इस पर, यानी कि स्पीकर हमारा जो है तकरीबन तकरीबन ठीक ही है, ठीक है। और हम अभी इसे 3.7 वोल्ट वाली सेल को चेक कर देंगे। दोस्तों एक बार शोल्डिंग करके हम चेक करेंगे बाहर से चला के स्पीकर, ठीक है। देखेंगे कि यहाँ पे जो है बहुत स्पीकर चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर न्यू स्पीकर लगा के देखेंगे। स्पीकर की क्वांटिटी तो सही बता रहा है स्पीकर, ठीक है। क्या पता अंदर से तार टूट गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने इसकी वायरिंग कर दी है पूरी, ठीक है। और अब इसे ऑन करके देखेंगे। अब इसके साउंड टेस्टिंग की घड़ी आ गई है तो दोस्तों ये चालू हो गया है, ठीक है। और मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो एकदम ये बढ़िया हो गया दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका नाइट विज़न है और नाइट विज़न में देखिए कितना खूबसूरत लगता है। मैं दूर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और कितना बेहतरीन स्पीकर लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। और मैं इसे ऑफ करके फिर ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें कितने कलर की कलर, मल्टी कलर है ये, अलग अलग, ठीक है, रेडी टू फेल, यानी कि ये तैयार है चलने के लिए। मैं फिर एक बार और ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने सुना होगा
तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, एक लाइक ठोक के जाना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिलती रहे। और अच्छा है स्पीकर, एक स्पीकर लगा इसमें और जो है अपना 5 वाट का एक स्पीकर लगा हुआ है और प्लस में जो है लाइट चेंज करता रहता है, मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये स्पीकर। और वीडियो में आप लोगों को अच्छे से दिख पा रहा होगा, ये देखिए एक स्पीकर और रखा है यहाँ पे, इसे भी हम रिपेयर करेंगे, इसे भी रिपेयर करेंगे दोस्तों। इसमें जैक लगाएंगे, इसमें जैक लगाएंगे कल, ठीक है। आज हमने एक स्पीकर की वीडियो डाली है और अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है तो आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो और फिर मैं चेक करा दे रहा हूँ एक बार आप लोगों की तसल्ली के लिए। ये देखो ठीक है, ये चालू हो गया और रात में तो ये और भी अच्छा लगता है। ये देखो पूरा एकदम उजाला उजाला हो गया, तो अच्छा है दोस्तों। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे और ठीक ही रहोगे, ठीक है। कुछ सीखने को मिला तो लाइक ठोक के जाना।